इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एसजीपीटी, जिसको एएलटी की भी टेस्ट कहा जाता है, एक लिवर फंक्शन से जुड़ी हुई टेस्ट है, यानी लिवर से जुड़ी हुई एक एंजाइम की टेस्ट है एसजीपीटी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। एसजीपीटी बढ़ जाने से कैसा खतरनाक बीमारी हो सकता है, एसजीपीटी लेवल ठीक रहना कितना ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा करता है एसजीपीटी बढ़ जाने से, आज इसके बारे में सब कुछ पूरी डिटेल्स जानेंगे। क्यों दिया जाता है, कौन सा बीमारी की तरफ इंगित करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अब एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने कभी किसी पेशेंट को लेकर या खुद से ज़्यादा मात्रा में एब्डोमिनल पेन या लिवर के दूसरी कोई समस्या लेके डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर एक चीज़ प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं, वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वो है बिलीरुबिन का टेस्ट, और जो महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वो है SGOT और SGPT का टेस्ट। आज इसके SGPT के सिर्फ एक ही भाग के बारे में बात करेंगे, SGPT टेस्ट के बारे में। SGPT के जो फुल फॉर्म होते हैं वो है सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांस एमाइनस, ये है SGPT का फुल फॉर्म, जो कि बहुत लंबा फुल फॉर्म है, इसीलिए इसको SGPT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म करके। ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि लिवर में पाया जाता है, हार्ट के सेल में पाया जाता है, और बहुत सारे मसल्स में ये थोड़ी सी मात्रा में रहता है। जब डॉक्टर के पास जाने से ये SGPT का टेस्ट डॉक्टर देते हैं, किस बीमारी को इंगित करने के लिए, किस बीमारी के तरफ जानने के लिए, उसको पता चलाने के लिए डॉक्टर द्वारा ये टेस्ट लिखा जाता है, वो है हेपाटाइटिस की बीमारी। हेपाटाइटिस चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, हेपाटाइटिस के कुछ भी भाग के जो पहचानने का फास्ट प्राइमरी टेस्ट होता है वो है ये SGPT टेस्ट। ये बढ़ जाने से हेपाटाइटिस हो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉन्डिस के भी खतरा बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर की समस्या हो, कभी कभी हार्ट के जो कोशिकाओं में SGPT रहता है वो बास्ट होके, सेल डैमेज होके वो खून में आ चलता है, इसीलिए ये खून के जांच जब SGPT किया जाता है तब पता चलता है, चाहे हार्ट डैमेज का प्रॉब्लम हो, चाहे जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो, और चाहे हेपाटाइटिस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी कारण बस जब SGPT बढ़ता है तब ब्लड के टेस्ट करने से, यानी खून के जांच करने से पता चलता है। लिवर के सेल डैमेज जब हो जाता है तब भी SGPT बढ़ सकता है। आपके जब SGPT लेवल बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब डॉक्टर को जरूर पता चलता है कहीं ना कहीं आपके लिवर में डैमेजिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लिवर की जो सेल है वो डैमेज हो सकता है, डैमेज प्रोसेस होना शुरू कर देता है। जितना SGPT बढ़ा हुआ है उतना ही डैमेज प्रोसेस फास्ट हो जाता है, उतना ही आगे बढ़ चुका है, वही सेल डैमेज हो जाने से खून में वो SGPT का मात्रा बढ़ जाता है। ये एक एंजाइम की तरह काम करते हैं, ये रहता है लिवर में, ब्लड के प्लाज्मा में भी रहता है, ये खून में जब आ जाता है तब डॉक्टर के पता चलता है लिवर डैमेज होना प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसीलिए SGPT का टेस्ट करवाया जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। खून लेके उसमें से सीरम सेपरेट करके उसमें ही SGPT का टेस्ट किया जाता है। ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से भी SGPT का मात्रा बढ़ सकता है, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने पे लिवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने का खतरा बना रहता है, इसीलिए भी SGPT बढ़ सकता है। SGPT बढ़ना एक मामूली बात नहीं है, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देके SGPT लेवल को कंट्रोल कर सकता है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा मेडिकेशन यूज कीजिए, कुछ भी ट्रीटमेंट यूज कीजिए।
दोस्तों एचजीपीटी के बारे में आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही रिलेटेड मेडिकल रिलेटेड कुछ भी वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।